हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम BPCS 184 विद्यालय मनोविज्ञान यानी स्कूल साइकोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 यानी यूनिट नंबर 7 में हम बात करेंगे बच्चों तथा किशोरों के लिए उपचार एवं रफेल यानी इस पे बात करें, यानी बच्चों और किशोरों में जो है उपचार संबंधी क्या है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को हम देखेंगे और इसमें देखेंगे कि ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए, अगर जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको लिखने में आसानी रहे। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाली है उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें जो है सबसे पहले देखिए संवेगात्मक और व्यवहारात्मक संबंधी समस्या वाले बच्चों का आकलन, यानी जो संवेगात्मक और व्यवहारात्मक जो संबंधी जो समस्याएं होती हैं उन बच्चों का आकलन कैसे किया जा सकता है इसके बारे में देखेंगे। दूसरा, इसमें देखेंगे बच्चों के लिए विद्यालय आधारित उपचारात्मक कार्यक्रम, यानी विद्यालय में जो है उसमें बच्चों के लिए उपचार के लिए कौन कौन से चीज़ें हैं उसके हम चर्चा करेंगे। और तीसरा रहेगा हमारा कला और क्रीड़ा चिकित्सा का उपयोग क्या, यानी कला और चिकित्सा जो क्रीड़ा है उसके बारे में चर्चा करें। जैसे कला चिकित्सा और क्रीड़ा चिकित्सा क्या है इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखिए 7.1 में क्या है, संवेदात्मक एवं व्यवहार संबंधी समस्या वाले बच्चों का आकलन व इसमें देखो बच्चों को अपनी क्षमताएं और कमजोरी होते हैं, यानी जो हमारे बच्चे होते हैं हर बच्चे में अपनी क्षमता होती है और अपनी कमजोरी होती है। सभी बच्चे में कुछ क्षमताएं होगी, कुछ कमजोरियां हमें देखने को मिलती हैं। उनका विकास निश्चित चरणों के अनुसार होता है, यानी हमारे जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है यानी हम जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं उनका उनकी अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग ही होता है। हालांकि प्रत्येक बच्चे में गति भिन्न होती है, यानी हर एक जो बच्चा होता है उसमें विकास की जो क्षमता होती है वह गति भिन्न होती है। जैसे आप देखेंगे किसी बच्चे का मानसिक स्तर बड़ी तेजी से बढ़ेगा, किसी बच्चे की शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, किसी बच्चे की लंबाई जल्दी बढ़ेगी, किसी बच्चे की चौड़ाई जल्दी बढ़ेगी, यानी किसी बच्चे का लंबाई विकास नहीं होता। यानी कह सकते हैं हर बच्चों में विकास जो होता है वह अलग अलग प्रकार का होता है या अलग अलग स्टेप में होता है, भिन्न होता है। कुछ बच्चे कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूसरे क्षेत्रों में कमजोर हो सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई बच्चा अच्छा है तो कोई क्षेत्र में कोई बच्चा कमजोर भी हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चे हैं पढ़ाई में अच्छे हैं, कोई बच्चे खेल में अच्छे हैं, कोई बच्चे ऐसे हैं किसी में भी अच्छे नहीं आपको मिलेंगे। यानी हर बच्चे में क्या होता है जो विकासात्मक क्षेत्र होता है वह अलग अलग तौर से प्रभावित। लेकिन यदि बच्चा एक से अधिक विकासात्मक क्षेत्र में समस्याओं का प्रदर्शन कर रहा है तो विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए छात्र के आकलन और रफेल के बारे में, यानी अगर कोई छात्र अगर हम मान लेते हैं अगर कोई हमारा जो छात्र है वह विकासात्मक क्षेत्रों में समस्या का प्रदर्शन, यानी जो उसके जो डेवलप हो रहा है डेवलपमेंट होता है, चाहे उसकी शारीरिक क्षमता का विकास रहा, चाहे उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो रहा है या किसी भी क्षमता का विकास होता है, अगर उस विकास में किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमें उसका क्या करना चाहिए, तुरंत ही उसका समाधान करना चाहिए। बच्चे विद्यालय में अनगिनत घंटे बिताते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं स्कूलों में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि स्कूलों में ही वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। इसीलिए शिक्षक अक्सर गृहकार और खेल पाठ्यक्रम सहपाठी वक्त जो हैं जैसे छात्रों की सफलता की कमी को पहचानने वाला पहला व्यक्ति, यानी कहने का यहाँ पर मतलब है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वह स्कूलों में अपना समय ज़्यादा बिताते हैं अपने शिक्षकों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। इसीलिए उनके जो शिक्षक हैं जो उनके फ्रेंड हैं वह कहीं ना कहीं इसको समझ सकते हैं कि किसी बच्चे में किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की चीज़ें, यानी वह किसी भी बच्चे को उसके टीचर उसके जो छात्र हैं उसके जो फ्रेंड्स हैं वह उसकी किसी भी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम को समझने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। शिक्षक समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शन करने वाले छात्रों के बीच एक प्राथमिकता की कड़ी है, यानी शिक्षक जो है किसी बच्चे में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह जल्दी से जान सकता है। वह छात्रों के व्यवहारिक भावनात्मक और शैक्षणिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए रफेल या मून का मूल्यांकन, यानी अगर जो हमारे टीचर्स होते हैं किसी भी बच्चे में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो जो टीचर्स होते हैं वह उन चीज़ों को बड़ी अच्छी या सुचारू रूप से उसे देख सकते हैं या उसका समाधान कर सकते हैं। देखिए रफेल
रफल एक महत्वपूर्ण आकलन प्रक्रिया है जिसे पेशेवर की एक टीम होती है जिसमें माता पिता शिक्षक और कभी कभी उसके साथी शामिल। यानी रफल का मतलब होता है कि एक प्रकार की यानी बच्चों की एक प्रकार से क्या होती है आकलन की प्रक्रिया। यानी बच्चों का जब आकलन किया जाता कैसे किया जाए, इस टीम में कौन होता है, माता पिता हो गए, शिक्षक होते हैं और उसके जो सहपाठी होते हैं के द्वारा पर्याप्त जानकारी एकत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच बच्चों की स्थिति के बारे में सूचना निर्माण के लिए हस्तक्षेप विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण बारे में सूचित करने का निर्णय होता है। बच्चों को सीखने और विकास में वृद्धि में बताता है। औपचारिक रफेल की प्रक्रिया से पहले कई देशों में यह पूर्व रफेल प्रणाली की स्थापना की गई थी जहाँ शिक्षा पेशेवर की टीम सहयोगात्मक तरीके से काम चलाती थी तथा नियमित शिक्षा में माहौल छात्रों में सफलता के सुविधाजनक बनाने के लिए। यानी क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि अगर बच्चे में किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए एक टीम बनाई जाती है जो टीम बताती है कि इस बच्चे में जो समस्या है वह किस प्रकार की समस्या है वो काम करेगी। लेकिन पहले जो पूर्व का मतलब होता है, पहले यह काम जो होती थी उसके लिए एक टीम का वो बाहरी लोगों को कोई संस्था होती थी उसको नियुक्त किया जाता था। आपने देखा कि बहुत बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेकर के टीम के पास जाते हैं, बताते हैं कि मेरे बच्चों को बताओ लाइफ में क्या करेगा, फ्यूचर में क्या करेगा, इसमें किस प्रकार की समस्या है वैसे होती है। विदेशों में आपने सुना होगा कि वो क्या किसी के पास ले जाते हैं उसको करवाते हैं काउंसलिंग, जैसे करवाते हैं बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग। यानी ये जो रफल जो आपको बताया गया पूर्व रफल जो है एक प्रकार की जो बच्चों की काउंसलिंग होती है, जो विदेशों में काउंसलिंग बड़ी प्रभावित रही लेकिन हमारे यहाँ पर जो काउंसलिंग है माता पिता टीचर्स और उसके सहपाठी मिलकर के उस बच्चे की काउंसलिंग कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं काउंसलिंग है, बच्चे में किसी प्रकार की समस्या है तो उसको बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है। इस प्रकार की काउंसलिंग हमारे बच्चों की हो सकती है। यानी किसी भी बच्चे में अगर विकास नहीं हो रहा या डेवलपमेंट नहीं रहा तो उसको हम काउंसलिंग के जरिए जान सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को कर सकते हैं। बच्चों के लिए विकास आधारित उपचारात्मक कार्यक्रम, यानी बच्चों में जो विकास हो रहा है या जो डेवलपमेंट है उसमें उपचार, यानी बच्चों में अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उस पर आधारित उपचारात्मक सामग्री क्या है। देखिए विद्यालय और शिक्षक एक छात्र के संवेदात्मक और व्यवहारिक संबंधी समस्याओं को कम करने तथा सहायक वातावरण प्रदान, यानी जो हमारे शिक्षक होते हैं अगर बच्चे में किसी भी प्रकार की संवेदना को लेकर के समस्या है या उसकी व्यवहारिक समस्या है तो वह उन व्यवहारिक समस्याओं को कम करने में एक महत्वपूर्ण काम करते हैं तथा स्कूल में एक ऐसा वातावरण है जिससे बच्चों में किसी भी प्रकार की जो समस्याएँ हैं उनको हमें दूर करने में मदद मिले या मदद प्रदान हो। विद्यालय और शिक्षकों की समस्या को जोखिम कम करने के उपायों और विद्यालय कक्षा तथा व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहारात्मक और संवेदात्मक समस्याओं की रोकथाम के लिए मूल्यों को पहचानने में आवश्यकता पड़े। यानी कहा जा रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं हमारे स्कूलों में इस तरह की हमें सुविधाएं करनी चाहिए कि अगर बच्चों में किसी प्रकार की समस्याएं हो तो वहां पर समाधान किया जा सके। यानी स्कूलों में ही अगर बच्चे में हमारे बच्चे में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो स्कूल के जो उसके टीचर्स हैं टीचर्स ही इस चीज़ को समस्या का समाधान कर सकें, इस प्रकार की समस्याओं का। कक्षा में शिक्षकों के सकारात्मक, यानी अगर किसी भी बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल में इस प्रकार की सामग्री होती है। पहली सामग्री क्या है कि जो कक्षा में जो टीचर्स हैं वह सकारात्मक व्यवहार करें, यानी हमारी कक्षाओं में जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह टीचर बच्चों के साथ एक साथ व्यवहार करें, सबके साथ किसी के साथ भेदभाव ना करें। अगर टीचर किसी के साथ भेदभाव करेगा तो बच्चों पर हमारे क्या होगा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पहली बात क्या है कि अगर हमारे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, जो टीचर्स हैं उनको एक प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यानी टीचर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, इससे एक प्रकार के। दूसरा सकारात्मक भौतिक वातावरण बने, यानी टीचर्स को सबसे बड़ी ये है कि वह अपने स्कूल में या अपनी कक्षा में एक सकारात्मक माहौल बनाए, यानी वो अपनी कक्षाओं में एक डिसिप्लिन उसको बनाना चाहिए, सकारात्मक माहौल बनाए, हंसी मजाक का माहौल बनाए। ऐसा नहीं रहे कि क्लास में सब उससे डरते रहें और एक प्रकार की टेंशन, बच्चे देखे तो टीचर को देख करके डर जाएंगे टीचर मारेगा। यानी कहें एक प्रकार से आपको क्या करना चाहिए कि आप की जो क्लास है या आपका जो स्कूल है उसका जो माहौल है बहुत अच्छी तरीके से बनाना चाहिए जिसमें बच्चे घुल मिल के रहें और सभी बच्चे एक दूसरे को अपनी समस्याएं बता सकें। ऐसा नहीं कोई बच्चा शर्मीला है, कोई बच्चा लजाता है, शर्माता है या इस प्रकार के न रहें, सभी बच्चे अपनी समस्याओं का, यानी विद्यालय में एक ऐसा वातावरण बनाना जहां पर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चे अधिक से अधिक चीज़ों को कर सकें। उनकी अगर कोई समस्या है तो बच्चा स्वयं जाकर के टीचर को बता सके, इस प्रकार के काम। अस्पष्ट नियम और
अपेक्षाएं बनाना, यानी विद्यालय में अगर देखो तो स्पष्ट नियम होने चाहिए शिक्षकों के लिए, अष्टम नियम, ताकि अभिगम में बच्चों को कम, यानी जो हमारे शिक्षक हैं वह उनको क्या करना चाहिए, बच्चों को सिखाने के लिए तरह तरह के प्रयास करने चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ने में सही नहीं है तो उस पर विशेष ध्यान दे, कोई बच्चा लिखने में सही नहीं है तो उस पर विशेष ध्यान दे, यानी इस प्रकार के हमारे जो शिक्षक हैं उनको नियमित रूप से हमारे सभी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए एक त्याम काम करना है। छात्र नियमों के और अपेक्षाओं को पूरा, यानी छात्र जो टीचर से अपेक्षा करते हैं उन चीज़ों को जो हमारे शिक्षक हैं उनको पूरा करना चाहिए। हमारी जो टीचर हैं यानी छात्र जिस प्रकार की चीज़ों का काम मांग रहा है उस प्रकार की उनकी मांगों को पूरा करने का पूरा तरीके से प्रयत्न करिए। अगर शिक्षक उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उनकी जो प्रॉब्लम है उनका सॉर्ट आउट करेगा, तो एक प्रकार से हमारे विद्यालय में अगर देखेंगे तो बच्चों का विकास होगा, बढ़ेगा और किसी प्रकार की समस्याएँ नहीं होंगी। दिन की गतिविधियों का कार्यक्रम बना, यानी जो हमारे टीचर हैं पूरे दिन क्लास में क्या होगा या पूरे दिन स्कूल में क्या करवाया जाए, इन सारी गतिविधियों का उनको कार्यक्रम बनाना चाहिए और कार्यक्रम बना करके हम बच्चों की जो समस्या है उनको भी कम कर सकते हैं। इससे अगर बच्चे में किसी प्रकार की समस्या नहीं और बच्चों को पहले से पता रहेगा उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस समय उसे कहाँ जाना है किस समय नहीं जाना है और सभी प्रकार की। अगला क्या, लगातार दिनचर्या और प्रक्रियाओं में बदत बन, यानी लगातार की जो दिनचर्या है उसमें बढ़ाते रहना चाहिए और बच्चों को पढ़ाने में नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करें, बच्चों के साथ एक भावनात्मक लगाव रखें, बच्चे से अच्छी तरीके से बात करें। अगर इस प्रकार की हम चीज़ों को करेंगे तो शायद हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए एक सकारात्मक माहौल बनेगा और शायद उनके शिक्षण में किसी भी प्रकार की समस्या की हमें सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है वो शायद बहुत बेहतर ढंग से हो पाएगी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, कला और क्रीड़ा चिकित्सा का प्रयोग, ये कला और क्रीड़ा चिकित्सा क्या होती है इसको भी जानना बहुत जरूरी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा इसकी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि ये क्या चीज़ है। देखो, समय पर बच्चों में अपनी संवेदात्मक और व्यवहारिक समस्याओं के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस भाग में दो महत्वपूर्ण उपचारों की चर्चा की गई जो बचपन की समस्याओं को हल करने में, यानी जो कला चिकित्सा है और जो क्रीड़ा चिकित्सा है, बच्चों में जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने में क्या करती हैं, ये मदद करती हैं। कला चिकित्सा का देखिए, कला का उपयोग लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने को स्वीकार करने तथा बनाने में किया जाता है, यानी जो कला होती है वह लोगों के जीवन में सफल बनाने में या लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, या कह सकते हैं परिवर्तन लाने के लिए उसको लिए किया जाता है। पेशेवर कलाकार और शोधकर्ता इस बात पर जोर दिया है, यानी जो पेशेवर कलाकार हैं जो शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि चिकित्सा सेटिंग में कला अद्वितीय उपकरण है। यानी जो अगर देखेंगे शोधकर्ताओं ने बताया है चिकित्सा जो सेटिंग है यानी जो चिकित्सा सेटिंग होती है उसमें कला का अद्वितीय समझने में आकलन में एक समाधान के रूप में किया जा सकता है। कला चिकित्सा एक ऐसी थेरेपी है, एक प्रकार की थेरेपी है में पहचाना जाता है जो काल्पनिक रचनाओं मीडिया का प्रयोग करते हैं, यानी एक प्रकार से क्या है, थेरेपी है जो काल्पनिक और रचनात्मक मीडिया का प्रयोग, यानी एक प्रकार की क्या करती है कलात्मक जो होती है या रचनात्मक जो प्रक्रियाएं होती का मीडिया का प्रयोग करती है। इसमें ड्राइंग, एलोग्रिक, पानी के रंगों के साथ चित्रकारी तथा मिट्टी के साथ काम करने का उपचार, यानी इसमें क्या करते हैं, हम ड्राइंग बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या चित्रकारी करते हैं या डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का यहाँ पर किया जाता काम होता है। लेकिन यह मीडिया इन प्रकारों को तक सीमित नहीं है, यह थेरेपी दृश्य उत्पीड़कों द्वारा संचालित, यानी दृश्य जिन्हें जिसमें दृश्य बनाए जाते हैं, फोटो बनाए जाते हैं जो बच्चों की भाषा के महत्व से कठिन कहानियों को याद कराने में उन्हें, यानी यहाँ पर बताने का है कि बच्चों को जो कठिन कहानियाँ याद नहीं होती हम उन्हें कुछ दृश्यों के माध्यम से, कुछ फोटो के माध्यम से, कुछ विजुअल के माध्यम से हम उनको कहानियों को या चीज़ों को याद कराने में हमें मदद मिलेगी। जो बच्चे भाषा के माध्यम से कठिन कहानियों को याद नहीं कर पाते उन्हें व्यक्त करने में आवश्यकता को कम कर सकते, यानी जो बच्चे किसी कहानी को याद नहीं कर पाते, किसी स्टोरी को याद नहीं कर पाते, तो हमें उन बच्चों को चित्र के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से, किसी भी चीज को हम उन्हें समझाने में हमें क्या मिल सकती है, सफलता मिल सकती, सफलता प्राप्त हो सकती है। दृश्य कला चिकित्सा इसलिए विकास संबंधी देरी और आघात जैसी समस्याओं से पीड़ित बच्चों का आदर्शवादी, यानी जो दृश्य चिकित्सा कला है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसी बच्चे से जो देरी से विकास होता है या उसको कोई आघात पहुंच गया लाइफ में, बच्चों के उपचार करने में सहायक होती है क्योंकि इसमें कल्पना और गैर मौखिक दायरे में दस्तक, यानी अगर हमारे कोई सी बच्चा किसी चीज़ को समझने में अगर उसमें समस्या है तो हम इसे दृश्य के माध्यम से यानी फोटो विजुअल के माध्यम से हम उसे किसी भी चीज़ों को समझा
सकते हैं, बता सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक तनावग्रस्त एवं उदास बच्चा मिट्टी में खेल रहा है तो अपने छुपे संवेगों को मिट्टी में अभिव्यक्त कर सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे में तनाव है, दुख है, तो अगर वो मिट्टी में खेल रहा है तो मिट्टी में अपने तनाव को अभिव्यक्त कर सकता है या उसे वह बता देगा जो छुपे संवेगों को मिट्टी में अभिव्यक्त कर देगा। या तनावग्रस्त बच्चे में इसे कारीगरी को आकार दिया जाएगा और सभी संवेग कलाओं के कार्यों के द्वारा तैयार की गई वस्तु को संज्ञा आसानी। मान लीजिए अगर कोई बच्चा चिंता है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, अगर वह मिट्टी में खेलेगा, ड्राइंग करेगा इन चीज़ों में, तो अपने जो समस्या है उस समस्या को भी इस कला के माध्यम से प्रसारित करेगा और उस समस्या को हम क्या करेंगे, हम लोग समझ जाएंगे। कला चिकित्सा को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर ने ऐसे परिभाषित किया है जिसमें क्लाइंट को कला चिकित्सा द्वारा कला मीडिया का प्रयोग करके और काल्पनिक प्रक्रिया के द्वारा परिणाम स्वरूप कला निर्माण के मनचाही स्थिति को खोजें। यानी क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, कला के द्वारा चीज़ों को समझा सकते हैं। अगर हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारी करवाएंगे, चित्र करवाएंगे, पेंटिंग करवाएंगे, डेंटिंग करवाएंगे, तो उनमें किसी भी प्रकार की अगर समस्या होंगी तो हमारे जो बच्चे होंगे वह कला चिकित्सा के यानी उस जो चित्रकारी करेंगे, डेंटिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, मिट्टी के बर्तन में रहें, तो अपनी वह समस्याओं को उसके जरिए हमें बता सकते हैं और समझा सकते हैं, जिससे हम उसको जान जाएंगे और उसकी बच्चे की जो समस्या है उस समस्या को हम लोग क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। यानी एक प्रकार से जो कला चिकित्सा है उसके जरिए हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को जान सकते हैं तथा उनको चीज़ें जो हम समझाना चाहते हैं या जो चीज़ें हम बताना चाहते हैं उन चीज़ों को हमें समझाने और बताने में कई तरह की हमें क्या समस्या जो होती है वह नहीं है, बल्कि हम उन समस्याओं का क्या कर लेंगे, उन समस्याओं का हमें आसानी से समाधान कर सकते हैं। और इसे क्रीड़ा चिकित्सा क्या होती है उसमें देख लीजिए, क्रीड़ा चिकित्सा क्या होती है मैं आपको आसानी इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। देखो बच्चों के विकास में क्रीड़ा में केंद्र है, बच्चों के विकास में क्रीड़ा यानी मतलब होता है खेलना और कूदना, क्रीड़ा संस्कृत का शब्द है, क्रीड़ा करना यानी खेलना कूदना, इसी को क्रीड़ा बोलते हैं, यानी जो हम अलग अलग गतिविधियां करते हैं उन्हीं को क्रीड़ा बोला जाता है। देखो बच्चों के विकास में जो क्रीड़ा होती है, जब बच्चे खेलते कूदते हैं मुख्य केंद्र में है, क्योंकि उनके दिल में क्या है उसे खुल करके बताते हैं, यानी क्रीड़ा करते समय खेलते समय उनके दिल में मन मस्तिष्क में क्या है तो वह सारी चीज़ों को बताएंगे। उनका स्वास्थ्य मानसिक शारीरिक भाषा सामाजिक विकास और संचार की आवश्यकता है, यानी खेलते समय जब बच्चा खेलेगा कूदेगा तो क्या होगा, हम उसकी सभी प्रकार की समस्याओं को जान सकते, उसका स्वास्थ्य जान सकते हैं, उसकी शरीर की क्षमता जान सकते हैं, उसकी भाषा और उसका सामाजिक संचार भी हमें। क्रीड़ा यानी खेल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आंतरिक भावनाओं को हम जान सकते हैं, यानी क्रीड़ा के द्वारा अगर हम बच्चों को बताएंगे कि कई सारे खेल बताएंगे और खेलों के जरिए हम बच्चे में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो हमें वह क्या होगी, जानने में मदद मिल सकती क्रीड़ा के जरिए संवेग। उदाहरण के लिए एक गुड़िया के साथ खेलना और एक ताले तोले में रखना या गुड़िया को दंड देना सलाखों के पीछे रखना, इस प्रकार के खेलों में बच्चों की मानसिक विकास को समझें। यानी मान लीजिए अगर कोई बच्चा गुड़िया से खेल रहा है और उस गुड़िया को सलाखों के पीछे रख रहा है या कुछ कर रहा, तो इसके जरिए क्रीड़ा के जरिए जो बच्चे खेलते हैं खेल में हम बच्चों में अगर जो समस्याएं हैं उनको हम जान सकते हैं। जब हमारा बच्चा होता है वह अलग अलग प्रकार के खेलों को खेलेगा तो उससे उसमें अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वह खेल में हमें झलक जाएगी, इस बच्चे में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसे जानने में हमें क्या होगी, उसमें मदद मिलेगी और इससे हम उस बच्चे की जो समस्या है जो प्रॉब्लम है उसको समझने में हमें क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। यानी इस प्रकार से क्रीड़ा चिकित्सा का मतलब होता है कि जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, क्रीड़ा चिकित्सा का मतलब है कि जो हमारे बच्चे हैं अगर उनमें किसी प्रकार की समस्या है, जब वो खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे बोलेंगे, मिट्टी में खेल रहे हैं कहीं भी खेल रहे हैं, यानी खेल में अगर गुड़िया से खेल रहे हैं, किसी खिलौने से खेल रहे हैं, किसी भी चीज़ से हमारे जब बच्चे खेलते हैं तो वह जिस चीज़ खेल रहे हैं उनमें जो समस्या होगी वो वहां पर स्वयं प्रकट हो जाएंगी, वह खेल में हम उसको पहचान लेंगे कि इस बच्चे में समस्या है और उस समस्या को हमें दूर करने में मदद मिलेगी। यानी कला चिकित्सा का मतलब होता है कि जब हमारे बच्चे अलग अलग प्रकार की चित्रकारी करेंगे, ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, तो वह ड्राइंग पेंटिंग में अपनी समस्या को उकेर देंगे, बता देंगे। उसी प्रकार से जो क्रीड़ा चिकित्सा है, जब हमारे बच्चे खेल करेंगे, खेलते रहेंगे, किसी खोलेंगे कूदेंगे, तो गुड़िया से खेल रहे हैं, गुड्डे से खेल रहे हैं, खिलौने से खेल रहे हैं, तो वह गुड़िया गुड्डा खिलौने में खेलने में उन्हें जिस प्रकार की भी समस्या है वह उस प्रकार की समस्या को वहां बता देंगे
और हमें वह समस्या समझने में मिलेगी और शायद हम उस बच्चे की समस्या को दूर कर सकते हैं और इस समस्या को हम उसको दूर कर देंगे। और इससे क्या होगा कि बच्चे का जो विकास रुका हुआ था वह विकास फिर चल जाएगा और बच्चे का जो डेवलपमेंट विकास होता वह उस प्रक्रिया में उस बच्चा चल जाएगा। तो सातवें चैप्टर में अगर देखो तो मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट था और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सारा बता दिया। और अगर एक बार समझ नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।